बाइक को कंधे पर उठाकर दौड़ने वाला ये वीडियो जो आपने शुरू में देखा है, उसमें दिख रहा ये शख्स कहीं और का नहीं बल्कि बिहार का ही है, जिसे लोग हैमर हेडमैन के नाम से भी जानते हैं। अब बिहार के कैमूर निवासी धर्मेंद्र ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया है। 30 सेकंड का समय और 100 मीटर की रेस, शर्त ये कि बाइक को कंधे पर लेकर दौड़ना है। बस क्या था, सुनते ही बिहार का युवक का जोश जाग गया और दुनिया भर पर छा गया। 21 देशों से आए लोगों को हराकर अब बिहार के धर्मेंद्र ने पूरे विश्व को चुनौती दे डाली है। खबर को हम आपको जरा विस्तार से भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। दरअसल बिहार के कैमूर में पूरे देश में स्टंट के लिए प्रसिद्ध हैमर हेडमैन धर्मेंद्र ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। धर्मेंद्र कुमार ने कंधे पर 249 किलोग्राम की बाइक रखकर 30 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ लगाई है। वैसे धर्मेंद्र के लिए ये रिकॉर्ड कोई नया नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया में दर्ज करा लिया है। 115.45 सीसी की बाइक उठाकर धर्मेंद्र ने दौड़ लगाई है, जिन्हें स्टंट का बादशाह भी कहा जाता है। उन्होंने अपने कंधे पर बाइक उठाकर दौड़ लगाकर 100 मीटर तक अनूठा रिकॉर्ड बना दिया है। त्रिपुरा में आयोजित प्रतियोगिता में 21 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। यहां सभी को पछाड़ कर धर्मेंद्र ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। धर्मेंद्र त्रिपुरा राइफल में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। इस पर धर्मेंद्र कुमार ने बताया भी कि नया रिकॉर्ड बनाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही धर्मेंद्र ने यह भी कहा कि इस रिकॉर्ड को बनाकर मैं काफी खुश हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके तहत मैं पूरे विश्व को एक चुनौती देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाइए। ये बात मैं घमंड के साथ नहीं बोल रहा, बल्कि ये एक बिहारी का आत्मविश्वास बोल रहा है। मैं अपने भारत के युवाओं से भी अपील करता हूं कि आप आगे बढ़ें और ऐसे रिकॉर्ड बनाएं जो पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ सके। फिलहाल धर्मेंद्र के इस वीडियो को खूब लाइक किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खूब वायरल भी हो रही है और जो भी इस वीडियो को देख रहा है धर्मेंद्र की वाह वाह कर रहा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।